हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी एंड मॉम लाइफ स्टाइल। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की ब्लॉक नोज के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब सीजन चेंज होता है, सीजन जैसे गर्मी में चेंज हो या फिर सर्दियों में चेंज हो, जब जो ये सीजन चेंज होने का टाइम होता है, ऐसे में क्या होता है, बच्चों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। पर हम क्या करते हैं, बच्चों का ख्याल तो रखते ही हैं, पर होता यह है कि हमसे कोई ना कोई ऐसी छोटी सी गलती हो जाती है जिसकी वजह से बच्चों को सर्दी लग ही जाती है। और जब कोल्ड एंड कफ हो जाता है बच्चों को, तो बच्चे तो परेशान हो ही जाते हैं, इस चीज़ से हम लोगों को भी बहुत सारी परेशानी हो जाती है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं तो वो बहुत रोते हैं, दूध भी नहीं पीते हैं, खाना भी मतलब अगर खाते हैं तो खाना भी छोड़ देते हैं। सबसे ज़्यादा हमें परेशानी तब होती है जब वो रात में सो नहीं पाते हैं सही से। बच्चों को जो बलगम हो जाता है, तो उसे ठीक कैसे करें ताकि बच्चा रात में आराम से सो सके। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बच्चों को कफ एंड कोल्ड क्यों होता है, मतलब इसके क्या रीजंस हैं जो बच्चों को कफ एंड कोल्ड हो जाता है। तो जब बच्चे सांस लेते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो भी बैक्टीरिया होते हैं या प्रदूषण होता है, तो वो हमारी बॉडी में चला जाता है। और जब सीजन चेंज होता है तो फिर नाक बहना या बलगम, इस तरीके के कारण जो होते हैं वो सामने आते हैं। इसे ही मतलब सर्दी लगना कहते हैं। ये प्रॉब्लम चेस्ट में ठंडी हवा पहुंचने से भी होता है और ये एलर्जी से भी हो जाता है। जैसे आपके घर में किसी को है तो वो आपके बच्चे से मतलब प्यार करता है या किसी भी तरीके से, तो आपके बच्चे को भी हो जाता है। और इम्यूनिटी सिस्टम अगर वीक है तो इससे ये भी मतलब एक बहुत बड़ा रीजन है कि इससे भी आपके बच्चे को कफ एंड कोल्ड हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ठंडा गर्म चीजें खा लेने से, मतलब जैसे बच्चे कुछ खाया, ठंडा खा लिया, फिर कुछ गर्म खा लिया तुरंत, तो इस वजह से भी कफ एंड कोल्ड हो सकता है। नेक्स्ट है कि जैसे बच्चे क्या होते हैं कि ठंडी जगह से एकदम गर्म जगह में गए, या गर्म जगह से एकदम से ठंडी जगह में आ गए, मतलब रूम का टेम्परेचर अलग है और बाहर का टेम्परेचर अलग है, ऐसे चले गए तो उनका एक एटमॉस्फेयर जो होता है वो चेंज हुआ, तो इस वजह से भी मतलब कफ एंड कोल्ड हो जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसे कैसे ठीक किया जाए। तो यहाँ पर मैं आपको 7 होम रेमेडीज बताने जा रही हूँ, जिसमें से फर्स्ट है जायफर। आप बच्चों को जायफर दे सकती हैं घिस के थोड़ा सा। और अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप क्या करें, जायफर को घी में घिस लें और बच्चे के जो हाथ के नाखून होते हैं उसमें लगा दें, पैर के तलवे में लगा दें, पैर के नाखूनों में लगा दें ऐसे आप, और क्या बोलते हैं, चेस्ट में लगा सकते हैं आप बच्चे के, तो इन जगहों पे आप लगा सकते हैं। इससे भी बच्चे को कफ एंड कोल्ड में बहुत ही रिलीफ मिलेगा। और अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप उसे दूध में मिक्स करके थोड़ा सा जायफल घिस के दे सकते हैं, इससे भी आपके बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। सेकेंड है, आप बच्चे की हल्के गुनगुने तेल से मालिश जरूर करें। यह भी एक ट्रेडिशनल तरीका है जो पुराने समय से ही बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है। और ये कफ एंड कोल्ड में भी बहुत रिलीफ देता है। बिलीव करिए, अगर आप बच्चे की इस तरीके से मालिश करते हैं तो बच्चे को बहुत आराम मिलेगा और बच्चे को मतलब कफ एंड कोल्ड ठीक भी हो जाएगा। सेकेंड है कि मतलब यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपने बच्चे की नाक में सरसों का तेल डालें, 2 से 3 बूंद। हाँ, इससे भी मतलब आपके बच्चे की जो ब्लॉक नोज है वो सही हो जाएगा। ये भी एक बहुत ही पुराना तरीका है, मतलब जो हमारे घर पे दादी नानी होती हैं वो इस तरीके को बताती हैं और करती भी हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मतलब ये बहुत ही इफेक्टिव है,
मैंने ये ट्राई भी किया है, ट्रस्ट मी ये वर्क भी करता है। तो सर्दियों में सरसों के तेल का इस्तेमाल जरूर करें, इससे भी म्यूकस ढीला होता है और बाहर आ जाता है। तो आपको करना क्या है कि मतलब सरसों का तेल लेना है, उसमें थोड़े से लहसुन अजवाइन और मेथी डाल के पका लें। पकने के बाद में इसको छान के अलग कर दें। इसके बाद में जो ऑयल बचता है उसे आप अपने बच्चे की नाक में दो दो बूंदें डालें और इससे बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। और ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब जैसे ही आपने डाला वैसे ही तुरंत ही आराम मिल जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मतलब ये कोई जादू नहीं है जो बच्चे की नाक ठीक हो जाएगी, बच्चे को तुरंत आराम मिल जाएगा। पर हाँ, अगर आप ये तरीका अपनाती हैं तो बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। और अगर ये आप रेगुलर बेस पे करती रहेंगी तो बच्चे को कभी भी कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। फोर्थ पॉइंट है कि आप अपने बच्चे की बॉडी को हाइड्रेट रखें। मतलब अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप उसको टाइम टू टाइम ब्रेस्ट फीड कराते रहें, और अगर 6 महीने से बड़ा है तो आप अपने बच्चे को मतलब इलेक्ट्रॉल वगैरह या ORS के घोल भी दे साथ में, ताकि बच्चे की बॉडी हाइड्रेटेड बनी रहे। बट आप इस टाइम पे फ्रूट जूस को अवॉइड करें, मतलब इससे भी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो जूस होता है वो ठंडा होता है। 5 पॉइंट है कि आप अजवाइन का पानी, बच्चे को अजवाइन का पानी अगर पिलाती हैं तो भी बच्चे को मतलब बहुत आराम मिलेगा इसे भी। अजवाइन का पानी आप 3 महीने से बड़े बच्चे को दे सकती हैं। नेक्स्ट है अजवाइन की पोटली। आपको करना क्या है, एक सूती कपड़ा लेना है, उसमें थोड़ी सी अजवाइन रख के उसको बांध लेना है, अच्छे से गांठ लगा लेनी है। इसके बाद आपको तवा गरम करना है और उस अजवाइन की पोटली को उस पर रख देना है। जब तक उससे अच्छी सी स्मेल आने लगेगी तब आपको अपने बच्चे के नाक के पास में हल्का सा दूर से उसको लेके जाना है, और वो जो अजवाइन होगी उसकी स्मेल से जो ब्लॉक नोज होगी वो खुल जाएगी और बच्चा अच्छे से सांस ले पाएगा। ये भी एक मतलब बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चे की ब्लॉक नोज को ओपन करने का। ऐसा आप दिन में 3 से 4 बार करिए और उससे काफी आराम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बच्चा 1 साल से बड़ा है उसे आप हल्दी वाला दूध या तुलसी का काढ़ा या अदरक का काढ़ा ये सब दे सकते हैं। ये सब नेचुरल हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, और इससे भी बच्चे को काफी आराम मिलता है। तो ये थे वो टिप्स जिसे अपनाकर आप अपने बच्चे की म्यूकस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। वो ठीक हो जाएगा क्योंकि उसको बहुत आराम मिलेगा और वो रात में अच्छे से सो पाएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।